बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जो कसम खाई थी उस कसम को वो तोड़ने जा रहे हैं। खबर आ रही है कि 2 और 3 जुलाई को वो अयोध्या जा रहे हैं और वहां पर वो अपनी न सिर्फ पगड़ी खोलेंगे बल्कि मुंडन भी कराएंगे। सवाल ये उठता है कि जिस सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश को सीएम की कुर्सी पद से हटाने को लेकर पगड़ी बांधी थी और कहा था कि जब नीतीश जी को सीएम पद से हटाएंगे तभी मैं पगड़ी खोलूंगा, आखिर अचानक उन्होंने इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया? आखिर कसम तोड़ने की नौबत क्यों आई उन्हें? हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संजीव पाठक जी हैं, उन्हीं से इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। पाठक जी, क्या लगता है सम्राट चौधरी ने आखिरकार इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है? सम्राट चौधरी के की स्थिति के संबंध में मैं 2 शब्द कहना चाहता हूं कि दुखती रग पर उंगली रखकर पूछ रहे हो कैसे हो, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी दुनिया चाहिए जैसी हो। तो ये उनकी दुखती रग है जी। वो बहुत बड़ा स्वप्न देखे थे, उनका स्वप्न था कि नीतीश कुमार को हर हाल में कुर्सी से उतार देना है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बस चंद महीनों के बाद ही भाजपा और जदयू का मन मिलने लगा, शीर्ष नेतृत्व भाजपा का जदयू की ओर हाथ बढ़ाया, जदयू उस हाथ को थामा और दोनों एक हो गए। जिस मुख्यमंत्री को पद से हटाने का संकल्प लिया था सम्राट चौधरी ने, उसी मुख्यमंत्री के नीचे उप मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें संभालनी पड़ी। ये राजनीति है, राजनीति में बयान के कोई मायने नहीं होते, राजनीति में सामने जो परिस्थितियां आती है उस परिस्थितियों के अनुकूल बयान बनते और बिगड़ते चले जाते हैं। यह सम्राट चौधरी का जो संकल्प था, यह सम्राट चौधरी का संकल्प उस समय का था करीब 21 महीना पहले सितंबर 2022 में, वो अपनी मां के निधन के बाद उनके माथे पर पगड़ी बंधी थी। उस समय राजद और जदयू की सरकार थी, इंडिया गठबंधन की सरकार थी। उसी समय सम्राट चौधरी ने ऐलान किया था कि इस पगड़ी को तब खोलेंगे जब नीतीश कुमार को गद्दी से हटा देंगे। भाजपा उस समय विपक्ष में थी, नीतीश कुमार को हटाने की मांग तो विपक्ष करता ही है, लेकिन उस मांग के साथ इन्होंने एक प्रण ले लिया था कि अपने माथे की पगड़ी तभी खोलेंगे जब नीतीश कुमार को कुर्सी से उतार देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नीतीश सरकार के कैबिनेट में इनको उप मुख्यमंत्री का पद संभालना पड़ा। तब जब इनसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई अब तो आप उप मुख्यमंत्री बन गए, अब आपकी पगड़ी आपके माथे पर कब तक रहेगी, अब तो खुलने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जिस नीतीश कुमार को कुर्सी से आप उतारने का संकल्प लिए थे, आज उसी नीतीश कुमार की सरकार को बचाने के लिए आप संकल्पित दिख रहे हैं, तो आखिर इस पगड़ी का क्या होगा? उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि मैं अयोध्या जाऊंगा और अयोध्या में पगड़ी समर्पित करूंगा, मुंडन करवाऊंगा। हालांकि 2 और 3 जुलाई की तिथि निश्चित है, उस दिन वो अयोध्या जाएंगे और अपने संकल्प को भूलकर मुंडन कराएंगे और पगड़ी को उतारेंगे। आशुतोष जी, देखिए, हम एक स्टेटमेंट पढ़ के सुनाना चाहते हैं पाठक जी। जी, जब उनसे जब उन्होंने ये डिसीजन लिया कसम तोड़ने की और सिर मुंडन करवाने की, पगड़ी खोलने की, तब उन्होंने क्या कहा? कल ही की बात मैं बता रहा हूँ, उन्होंने पत्रकारों से क्या बात कही। उन्होंने कहा कि जब मैंने प्रण लिया था तब वो भावुक क्षण था, लेकिन भाजपा के पूरे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जब निर्णय लिया कि नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, तो अब मैंने निर्णय लिया है कि मैं अयोध्या जा रहा हूँ, मैं अपना सिर मुंडवाऊंगा और मुरेठा प्रभु श्री राम के चरणों में दूंगा। बिहार के विकास के लिए व्यक्तिगत कुछ नहीं हो सकता है,
व्यक्तिगत निर्णय को निरस्त भी किया जा सकता है। ये सम्राट चौधरी का कल का बयान है, जब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि 2 और 3 जुलाई को अयोध्या जाकर वो अपना सिर मुंडवाएंगे और पगड़ी उतारेंगे, प्रभु श्री राम के चरणों में देंगे। अब मुझे ये बताइए कि ये मुहूर्त 2 और 3 जुलाई को ही क्यों लिया गया, जब उन्होंने प्रण लिया था, कसम खाई थी और वो प्रण टूट गया, चूंकि उन्हीं के अंडर में काम करना पड़ा, बीजेपी ने अपना नेता मान लिया, नीतीश कुमार गद्दी पर ही विराजमान रहे, तब आखिरकार उन्होंने इतना समय क्यों लिया, अब जाकर के वो क्यों डिसीजन ले रहे हैं? चूंकि राजनीति में टाइमिंग का बेहद महत्व होता है। जो मेरा सवाल है, जो मेरे जहन में उठ रहा है, हम चाहेंगे कि उसमें कितनी सत्यता है आप उसको उससे पर्दा उठाइए। मुझे जो लग रहा है कि शायद सम्राट चौधरी को ये यकीन था कि लोकसभा चुनाव में ऐसे परिणाम आएंगे कि नीतीश कुमार उसके बाद कभी भी उठकर खड़े नहीं होंगे, और तब बीजेपी जैसी चर्चा भी चल रही थी कि उनको गद्दी से हटा करके मुझे या बीजेपी के किसी नेता को सीएम के सिंहासन पर बिठाए। लेकिन जो जनादेश आया वो उम्मीदें धरी की धरी रह गई, और अब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के कहने पर उन्होंने भी अपना नेता न सिर्फ नेता माना है, बल्कि ये भी कहा है कि 2025 में नीतीश के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी को शायद अब ये बात घर कर गई है, आभास हो गया है कि आने वाले वक्त में भी ऐसी नौबत नहीं आने वाली है कि नीतीश कुमार को गद्दी से हटा करके बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री या कोई वो खुद इस सिंहासन पर बैठे। इसीलिए इसी में भलाई है या इसी में इसी को सही समझा जाएगा कि वक्त रहते पगड़ी को खोल दिया जाए। और वैसे भी सवाल उठ रहा है कि आप पगड़ी क्यों नहीं खोल रहे हैं, मन में शंका है जेडीयू के लोगों को, तो इसीलिए सम्राट चौधरी ने इस समय डिसीजन लिया है। क्या आपको लगता है? जी जी बिल्कुल। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद, परिणाम के तुरंत पहले नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, और दिल्ली प्रवास के दौरान ये खबर चल रही थी कि अब नीतीश कुमार जी बिहार की कुर्सी सौंप देंगे, नीतीश कुमार जी को बिहार की कुर्सी सौंपनी पड़ेगी। और भाजपा के कुछ नेता, जो भाजपा के बड़े नेता हैं, उनको ये उम्मीद थी कि नीतीश कुमार जब भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत में भाजपा की सरकार वहां बन जाएगी, तब नीतीश कुमार पर ये दबाव आएगा कि आप केंद्रीय राजनीति में चलिए और बिहार की गद्दी आप हमको सौंप दीजिए। शायद इस तरह की कोई चर्चा गठबंधन होने से पहले नहीं हुई। जी जी। तो लेकिन अब जबकि केंद्र की सरकार नीतीश कुमार के समर्थन पर टिकी हुई है, तो कहीं से भी लेकिन किंतु परंतु का समय नहीं है कि कोई ये प्रस्ताव भी रख सके कि नीतीश कुमार जी अब आप कुर्सी भाजपा को दे दीजिए। जी जी। अब चूंकि नीतीश कुमार से समर्थन लेना है केंद्र में, तो नीतीश कुमार को नाराज करने की स्थिति नहीं पैदा होगी, इसलिए अब दूर दूर तक नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने का कोई सवाल नहीं उठता है। अब नीतीश गेंद नीतीश कुमार के पाले में है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। इसलिए सारी संभावनाएं समाप्त होने के बाद यह दिनांक, इस तिथि का चयन किया गया है। आपकी शंका बेहद जायज है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा पाठक जी ने, मुझे भी यही लग रहा था। चूंकि देखिए, आपने कहा कि बीजेपी के पास वो स्थिति अब रही नहीं कि वो नीतीश कुमार को गद्दी से हटा दे। हाँ, अब जनता के पास तो अपार शक्ति है, जनादेश क्या होता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सम्राट चौधरी को या बीजेपी को शायद यही लग रहा है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में नहीं चल सकते हैं, इसीलिए दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सम्राट चौधरी ने अपनी कसम तोड़ने का डिसीजन लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। धन्यवाद।